दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5G टेस्टिंग के बारे में। आखिर 5G टेस्टिंग क्या है और इसको लेकर जो न्यूज वायरल हो रही है उसके बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं, 5G टेस्टिंग से इंसानी जीवन पर क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और इससे हमारे पशु पक्षी पर क्या असर पड़ेगा। 5G टेस्टिंग क्या है दोस्तों, 5G को समझने से पहले हम उसके आगे लगे जी को समझ लें। जी का मतलब है जनरेशन। हर टेक्नोलॉजी में एक समय पर बड़े बदलाव होते हैं और उसकी नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। ऐसे ही मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के साथ भी है। सोशल मीडिया पर इस टाइम दो मैसेज वायरल हो रहे हैं, एक तो ये आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, और एक ये वाला मैसेज भी वायरल हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है 5G की टेस्टिंग बंद कीजिए, शशि लूथरा। शशि लूथरा पंजाब की रहने वाली है, इनके नाम से ये मैसेज वायरल हो रहा है। WHO के अनुसार ये जो बीमारी फैली हुई है ये 5G नेटवर्क की वजह से नहीं फैली है। WHO ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों 5G नेटवर्क जब देश के अंदर आएगा तो टावरों की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी। टावर से एक सिग्नल निकलता है जिसका नाम है RF। RF सिग्नल जब निकलेगा इसको खतरनाक बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा है RF सिग्नल मानव जीवन के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं है, इसका असर मानव जीवन पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट की माने तो उसमें यह भी कहा गया है कि जब ये RF सिग्नल निकलेगा तो उससे कैंसर का खतरा भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों के अलग अलग तथ्य हैं। इसके अलावा WHO ने कहा है इससे इतना नुकसान होगा कि हमारे शारीरिक तापमान में वृद्धि होगी, इसके अलावा कोई और नुकसान नहीं होगा। दोस्तों इस वक्त तो यही हो रहा है ना, हमारे शरीर का तापमान तो बढ़ रहा है, हमें बुखार ही तो आ रहा है। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि इस 5G नेटवर्क को बंद करके देख लिया जाए, हो सकता है कि ये बीमारी सही हो जाए। अब आपको बता दें, जब पहली बार इसकी टेस्टिंग की गई थी नीदरलैंड के अंदर, तब इसके क्या परिणाम आए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब नीदरलैंड में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की गई थी तो 297 पक्षियों की मौत हुई थी, जिसमें से 150 पक्षियों की मौत तुरंत हो गई थी जैसे ही 5G टेस्टिंग शुरू हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 5G नेटवर्क के रेडिएशन का इतना खतरनाक असर हुआ था, आसपास के तालाबों में जो बत्तखें थी उनमें एक अजीब सी हलचल देखने को मिली थी। बत्तखें कभी अपने सर को अंदर कर रही थी, कभी पानी के बाहर कर रही थी, उनमें एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार टेस्टिंग के दौरान एक गायों के झुंड में भी अफरा तफरी मच गई थी और गायें जमीन पर गिरना शुरू हो गई थी। दोस्तों यह थी 5G के बारे में कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें।